हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? होप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप के बारे में। आपको पता है कि जो कि USA में हुआ था, कईयों ने वीज़ा अप्लाई किया, कईयों का आया, कईयों का नहीं आया। सबकी अपनी अपनी किस्मत है। जो जो लोग भी वीज़े पे आए हैं भाई, उन्होंने मैच देखा है एंड सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीत चुका है। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, मैंने सोचा चलो शेयर करते हैं। काफ़ी प्राउड वाला मोमेंट है, अपना देश जीत रहा है। और USA में ये पहली बार ही हुआ है, काफ़ी सालों बाद आज हुआ है, जो अब हुआ है, जो T20 वर्ल्ड कप काफ़ी सालों बाद हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट था, जिन्होंने भी वीज़ा लिया, जिन्होंने भी इंजॉय किया, तो भाई उनके लिए भी काफ़ी अच्छा मौका था ना। T20 के साथ साथ उन्होंने अमेरिका घूमने का मौका मिल गया। और वो कुछ लोग जो वीज़े पे आए मुझे मैसेज कर रहे थे कि क्या हम स्टे कर सकते हैं ओवर, देखो आपका वीज़ा है जो बस घूमने के लिए लगा है, स्टडी नहीं है ना, वर्क भी जाहिर कि आप काम कर सकते हो, आपको वापस ही जाना पड़ेगा। 6 मंथ की एंट्री मिली होगी आपको, तो आपको वापस जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं वापस जाते हो तो आप यहाँ पर इलीगल हो जाओगे, आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं, तो आप कहीं के नहीं रहोगे। तो सबसे अच्छा है अगर आपको यहाँ पर रहना है तो आप वापस जाओ और स्टडी वीज़ा अप्लाई करो, उसके चांस बहुत ज़्यादा हाई होंगे, क्योंकि आपके पास USA का टूरिस्ट वीज़ा ऑलरेडी होगा। स्टडी वीज़ा में जब करोगे तो आपको हो सकता है इंटरव्यू भी वेव ऑफ मिल जाए, तो काफ़ी अच्छा मौका है। तो आप अच्छे से तैयारी करो। अगर वैसे रुक रहे हो आप, देखो आपको पता है ये कैसे सिचुएशन, खुद को पता है, तो बहुत दिक्कत आएंगी। वैसे अगर आप स्टडी वीज़ा पे आते हो तो स्टडी करो, साथ में उसको वर्क परमिट मिलेगा, तो अच्छा है, लाइफ एंजॉय करो। बाकी फिर से आप सबको बहुत बहुत मुबारक, अपना देश जीत चुका है T20 वर्ल्ड कप, तो उम्मीद यही थी जीतेगा, तो सभी बहुत खुश हैं। तो आप सबको भाई मेरी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।